Guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new tense, that is future tense. Today we are going to start future tense. In future tense we will start first part of the future tense, that is future indefinite tense. But before that we will know the identification of future tense. उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे, फ्यूचर टेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. ओके, लेट्स सी. ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, यूज ऑफ विल सेल, हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक सेल, दोनों में से कोई एक यूज हुआ होगा, प्लस वीवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्या आइडेंटिफिकेशन है इसका, अगर किसी सेंटेंस के अंदर विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा. कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. इसका आइडेंटिफिकेशन ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है. और आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है पहचान, अगर इंग्लिश में किसी सेंटेंस के अंदर विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लगी हो तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा. हिंदी में क्या पहचान होगा इसका, हिंदी में इसको पहचान कहते हैं आइडेंटिफिकेशन को. और हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पहचान है जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आए, तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है. तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं. इसको भूत अनिश्चित काल कहते हैं, भूत अनिश्चित काल. ठीक है, और इसका आइडेंटिफिकेशन है यूज ऑफ विल सेल, विल या सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा. और हिंदी में अगर पढ़ रहे हैं तो किसी वाक्य के अंत में गा, गी, गे अगर लगा हुआ है, जिससे वह जाएगा, वह खाएगा, वह सोएगा, वह नाचेगा, वह कूदेगा, वह खेलेगा, तो सब में गा गी आ रहे हैं, वे खेलेंगे, मैं पढ़ूंगा. ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो कौन सा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा. कुछ एग्जांपल लिख के देखते हैं, जैसे मैं कल स्कूल जाऊंगा, देखो गा आ गया ना लास्ट में. फिर एक और लिखते हैं, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड वे मैदान में, क्रिकेट खेलेंगे. यहां देखो गे आ गया. ओके, थर्ड लिखते हैं, राधा एक भजन गाएगी, राधा
एक भजन गाएगी, राधा एक भजन गाएगी, गागी आ गया। ओके, हिंदी में देखो मैंने बताया जिन वाक्यों के अंत में गा गी गे आए तो क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। यहां देखो अंत में क्या आया है गा, यहां अंत में क्या आया गे, यहां अंत में क्या आया जी, तो ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, लिख के मैं कल स्कूल जाऊंगा इसका हो जाएगा आई विल, आई सेल, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। आई सेल गो टू स्कूल टुमारो, TOMORROW। तो मैंने क्या बताया था आपको, इसका आइडेंटिफिकेशन विल या सेल दो में से एक यूज होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां सेल लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगा है, तो आइडेंटिफिकेशन इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा था वे मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, इसका हो जाएगा दे विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ओके, अब यहां देखो विल आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्ले आया, प्ले फर्स्ट फॉर्म है, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो दे विल प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। राधा एक भजन गाएगी, राधा विल, राधा विल सिंग अ सॉन्ग, अ भजन, भजन ही लिख लेते हैं, राधा विल सिंग अ भजन। ओके, यहां देखो विल आया राधा के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आया, तो राधा विल सिंग अ भजन। तो ये तो इसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। ओके, क्या आइडेंटिफिकेशन है, विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में यूज हुआ होगा, और हिंदी में सेंटेंस होगा तो गा गी गे उसके अंत में आएगा। नाउ वी विल सी द फॉर्मूला एंड रूल्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। हम अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स और फॉर्मूलाज, उनके एग्जाम्पल्स को देखेंगे, लेट्स सी। ओके गाइस, नाउ वी विल सी द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल, उसके फॉर्मूला को कैसे फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस की फॉर्मेशन किस फॉर्मूले के बेस पे होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, नाउ वी विल सी। ओके, लेट्स सी। तो फर्स्ट वी विल राइट द फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। आई और वी होगा तो सेल लगेगा, दूसरा कोई सब्जेक्ट होगा तो विल लगेगा, प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट होगा, विल सेल दोनों में से कोई एक होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो लेट्स सी द एग्जांपल्स, हम एग्जांपल करके कुछ देखते हैं। ही विल राइट अ लेटर टुमारो, ही विल राइट अ लेटर टुमारो। तो इसकी हिंदी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने लिखा देखो पहले एक बार सब्जेक्ट, इसको फॉर्मूले से मैच कर लेते हैं, हमारा एग्जांपल मैच हो रहा है कि हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था तो हमने सब्जेक्ट लिखा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दी थी विल सेल में, तो ही के साथ विल ही लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। फिर क्या लिखना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया राइट। फिर क्या लिखना था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है लेटर, फिर अदर वर्ड में आ गया टुमारो। ओके, तो इसकी हिंदी क्या होगी, वह कल एक पत्र लिखेगा, वह कल एक पत्र लिखेगा,
ओके, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, इसकी हिंदी हो जाएगी वह कल एक पत्र लिखेगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी विल buy a new home next year। तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा सी, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाया बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म buy, फिर ऑब्जेक्ट लिखा अ न्यू होम, यहां होम आ जाएगा अ न्यू होम, ऑब्जेक्ट हो गया न्यू होम, फिर नेक्स्ट ईयर अदर वर्ल्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी हिंदी क्या होगी, वह अगले साल एक नया घर खरीदेगी। ओके, क्या लिखा, सी विल बाय अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, सी विल बाय अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल एक नया घर खरीदेगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा, मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा। अभी इस बार क्या किया, मैंने हिंदी में लिख दिया पहले, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, आई, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इंग्लिश सेल, सेल लगेगा, आई सेल, आई सेल, वर्ब क्या है, गो, आई सेल गो, कहा जाएगा, अमेरिका, टू अमेरिका हो जाएगा, टू अमेरिका, आई सेल गो टू अमेरिका, कब, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। ओके गाइस, तो दीज आर द फॉर्मूलास, फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स ऑफ द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने एग्जांपल लिखा, ही विल राइट अ लेटर टुमारो, वह कल एक पत्र लिखेगा। सी विल बाय अ न्यू होम नेक्स्ट ईयर, वह अगले साल एक नया घर खरीदेगा। मैं अगले महीने अमेरिका जाऊंगा, आई सेल गो टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ। I hope it is clear to all of you. If any doubt, you can write to me. Now we will write some of the Hindi sentences and then translate it into English. Let's see. Okay guys, I have written four sentences in Hindi here. Now we will translate it into English. First sentence is Mohan kal apne dost se milne Jaipur jayega. सेकेंड सेंटेंस इन बच्चे आज मैदान में हॉकी खेलेंगे। थर्ड सेंटेंस इन शिकारी कल शेर का शिकार करेगा। एंड फोर्थ सेंटेंस इन अध्यापक आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन, मोहन विल, वर्ब क्या है, जाएगा, वो टू जयपुर, कहां जाएगा, जयपुर जाएगा, क्या करने, टू मेट, टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने जयपुर जाएगा। ओके गाइस, मोहन कल अपने दोस्त से मिलने जयपुर जाएगा।
तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन विल गो टू जयपुर टू मीट हिज फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, बच्चे आज मैदान में हॉकी खेलेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, तो हमने लिख लिया चिल्ड्रन, चाइल्ड से बना चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। फिर हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल लगा लिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलेंगे, तो प्ले हो जाएगा, चिल्ड्रन विल प्ले, क्या प्ले करेंगे, हॉकी, चिल्ड्रन विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, चिल्ड्रन विल प्ले हॉकी टूडे इन द ग्राउंड, ऐसे कर देते हैं, टूडे ऐसे कर देते हैं, चिल्ड्रन विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड टूडे, टूडे को लास्ट में। तो क्या था सेंटेंस, बच्चे आज मैदान में हॉकी खेलेंगे, बच्चे आज मैदान में हॉकी खेलेंगे, तो चिल्ड्रेन विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड टूडे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, शिकारी कल शेर का शिकार करेगा। तो शिकारी की इंग्लिश क्या होती है, हंटर, हमने लिख दिया हंटर। फिर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया विल, क्या करेगा, शिकार करेगा, तो शिकार का मतलब होता है हंट, हंट लगा दिया, हंटर विल हंट, टू लायन, टू लायन, कब, टुमारो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, हंटर विल हंट टू लायन टुमारो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, अध्यापक आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाएगा। तो अध्यापक को इंग्लिश में लिखते हैं टीचर, टीचर विल, टीचर विल टीच, पढ़ाएगा क्या हो जाएगा, टीच अ न्यू चैप्टर, अ न्यू चैप्टर इन द क्लास, इन द क्लास टूडे। अध्यापक आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाएगा, टीचर विल टीच अ न्यू चैप्टर इन द क्लास टूडे। ओके गाइज, तो वी हैव ट्रांसलेटेड द हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। फर्स्ट सेंटेंस था, मोहन कल अपने दोस्त से मिलने जयपुर जाएगा, तो हमने लिखा मोहन विल गो टू जयपुर टू मीट हिज फ्रेंड। सेकेंड सेंटेंस था, बच्चे आज मैदान में हॉकी खेलेंगे, तो चिल्ड्रन विल प्ले हॉकी इन द ग्राउंड टूडे। शिकारी, नेक्स्ट हमने क्या लिखा, शिकारी कल शेर का शिकार करेगा, तो हंटर विल हंट टू लायन टुमारो। फिर अध्यापक आज कक्षा में नया पाठ पढ़ाएगा, टीचर विल टीच अ न्यू चैप्टर इन द क्लास टूडे। यहाँ पे हमने साइड टुमारो नहीं लगाया था, अभी लगा दिया, मोहन कल अपने दोस्त से मिलने जयपुर जाएगा, तो मोहन विल गो टू जयपुर टुमारो, टुमारो टू मीट हिज फ्रेंड। ओके ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल डू नेगेटिव सेंटेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, लेट्स सी। ओके गाइज, नाउ वी विल डू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वी विल डू द फॉर्मूला, देन एग्जाम्पल्स। ओके, तो लेट्स सी, फॉर्मूला इज दैट सब्जेक्ट प्लस विल सैड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो लिखो फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल सैड दोनों में से कोई एक, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फुल फॉर्म। लेट्स सी विथ एग्जांपल्स, इसको एग्जांपल्स के साथ देखते हैं क्या होगा। जैसे राधा will not sing a song, Radha will not sing a song, ये हो गया फर्स्ट
अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, राधा एक गीत नहीं गाएगी, राधा एक गीत नहीं गाएगी, गाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे, हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे। तो इसका अगर हम ये हिंदी में लिख दिया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वी होता है हम का वी, वी के साथ लगेगा सैल, वी सैल नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल। टूडे वी सैल नॉट गो टू स्कूल टूडे। ओके, एक और करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। वे आज मूवी नहीं देखेंगे, देखेंगे क्योंकि देखिए क्या वे के लिए इसे दे, इसके साथ लगेगा विल, दे विल नॉट वॉच मूवी टूडे, दे विल नॉट वॉच मूवी टूडे। ओके, दे विल नॉट वॉच मूवी टूडे। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, सब्जेक्ट विल सैल नॉट वर्क की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। हमने एग्जाम्पल लिखा राधा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, राधा एक गीत नहीं गाएगी। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिखा हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे, वी सैल नॉट गो टू स्कूल टूडे, वे आज मूवी नहीं देखेंगे, दे विल नॉट वॉच मूवी टूडे। ओके गाइस, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन एंड अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियोज सो दैट यू कैन गेट द वीडियोज एट द टाइम।